गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ज़्यादा देर नहीं चिल्लाना चाहिए ना। करो करो सब सफाई करना। ये हमारी मम्मी देखो, दीदी के घर जाने के लिए कितनी जल्दी जल्दी खीरे छील रही हैं। है मम्मी? वो तो मैं ऐसे छील रही हूँ। इतनी स्पीड तेज हो गई आपकी, इतनी खुशी देखो तो जरा, इधर देखो। तो सालू की फेवरेट चीज आ गई है। सालू की ये चीज तो सही आ गई है। शालू आपकी फेवरेट आ गई है। तो इतनी लेती हूं, ज्यादा लेती नहीं। हां मम्मी, कितनी मैगी खा रहे हो दिखाओ, कितनी खा रहे हो? क्यों खा रहे हो मैगी? पानी पीने के लिए। पानी तो आप ऐसे ही पी लोगे? ये रखा है। अच्छा, यहां पे टैबलेट बनाओ फिर इसको। डायपर लाए हो? गाइस मीशो पॉटी नहीं कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे शीट लेके आओ, यहाँ पे करूँगा। देखो कितना शैतानी बच्चा हो गया है ना ये। हैं बुआ के घर में ऐसे करोगे? हैं इतना गंदा बच्चा हो गया है। अच्छी देखो कितना अच्छा बच्चा है ना। विशु चलो, नहीं कर आपकी नहीं करनी। अच्छा ये बताओ आपकी नहीं करनी। कहाँ जा रहे हो आप? हम मानंडा तो जा रहे हो? किसके पास जा रहे हो? ये तो अपनी लड़की के पास जा रहे हैं। अच्छा, लड़की का नाम तो बताओ। अनामिका। अच्छा, उनके पास जा रहे हो? हाँ जी। और उनके पास किस काम से जा रहे हो? छोटा मुन्ना देखने जा रहे हैं उसका। अच्छा, नन्ना मुन्ना देखने जा रहे हो। सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं घर से और चाय नाश्ता खाना वगैरह सब हो गया था। खाने में बने थे पूरी छोले चावल और सैलेड तो होता ही है। तो वो सब खा के हम निकल चुके हैं। अभी आई थिंक लग जाएगा 2 से 3 लग जाएगा घंटा ना हमें यहाँ से। तो हाँ विशु, डैडा भी आ रहे हैं। ये वाला खरबूजा, ये जो दिख रहा है, हाँ, और केले, सेब। विशु नो, नहीं पापा नहीं आएंगे आपके।
बोलो खा लो, ने पापा को दे दिया। या अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। सुबह से पूरी रात हो चुकी है और ये लोग उतरने का नाम भी नहीं ले रहे ना, जल्दी जल्दी ज्यादा सामान है। ला आधा मुझे दे दे। कितना कितना थके? अब मजा कितना आया? मजा क्या? थक गए हैं। क्या कह रहे? नहीं होता, पैरों की ऑक्सीजन लो वहाँ पर। मम्मी पैरों की नहीं, पेड़ों की। अच्छा पेड़ों की ऑक्सीजन लेनी है। लाओ मैं निकालूं। और ये देखो शूज ऊपर ही लेके आ गए। दीदी पास जाओ। बेबी तो कैसा लगा? बताओ जल्दी। देख लो बेबी बेबी कैसे कर रहा था। बेबी वही तो वही तो भाई बोतल। अर्षित कितना काम करता है भाई। सो फ्रेंड्स सॉरी, सुबह से मुझे अब टाइम लगा आप लोगों से बात करने का। सो आप लोग सोच रहे होंगे दी ने कुछ बताया नहीं, बस ऐसे ही घुमाए पड़ी है, कभी रास्ता कभी खाना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ देती हूँ। गुड न्यूज़ ये कि जो मेरी दीदी हैं, मतलब सबसे छोटे वाली दीदी अश्मि जी की बहन, उनको बेटा हुआ है और आई थिंक अभी वो 10 या 12 दिन का हो गया है। तो हम गए थे उनको देखने के लिए, वैसे तो हमें घर जाना था आज, चलो अपने मतलब माइक मुझे ससुराल जाना था, बट मम्मी को लेके जाना था हमें यहाँ से दीदी के घर से। पर दीदी ने बोला मैं घर तब जाऊँगी, पहले मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊँगी। तो हम भी सोच के आए थे, मतलब सोच के तो आए थे कि अगर मौका लगेगा तो हम जाएंगे, बट पूरा पक्का कंफर्म नहीं था कि हम जाएंगे ही जाएंगे। तो मम्मी ने बोला तो हमारा भी मूड बन गया, तो हम भी चल दिए। और ले जाना तो बहुत कुछ था, बट क्या करें, लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया ना। मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सडनली हमें वहाँ से निकलना पड़ा। ऑनलाइन जो कपड़े मंगाए थे, जो मतलब मीशो से मैंने मंगाए थे, वो तो मैंने वो कर दिए, रिटर्न करवा दिए, वो पहुँच भी गए थे घर पे। स्क्रीनशॉट होगा तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। दीदी लोगों के लिए भी मंगवा रखे थे, अपने लिए भी सूट्स मंगवा रखे थे और बेबी के लिए भी कपड़े मंगवाए थे। बट बेबी के लिए जो कपड़े मंगवाए थे वो मतलब दूसरी साइट से मंगवाए थे, जो कि कौन से थे बाबू? शॉप कूज साइट का नाम क्या था जिससे हमने कपड़े मंगवाए थे? शॉप कूज करके कोई नाम था। तो वो फर्स्ट टाइम मेरा मतलब एक्सपीरियंस ही कह लो, जो भी था। अभी पूरा एक महीना हो गया है, पेमेंट हमने कर दिया, बल कपड़े अभी तक नहीं आए। आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही था, अभी मैं आपको बताऊं मैंने कितना ट्रैवल कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सबसे पहले हम गुजरात से आए थे देहरादून, देहरादून से आए थे हरिद्वार, हरिद्वार से आए हम बरेली, बरेली से गए हम पीलीभीत, पीलीभीत से दोबारा आ गए हैं बरेली। तो अभी हम दोबारा से जाएंगे अपने घर। तो ये देखो ना कितना ट्रैवल हो गया। अभी पीलीभीत जो हम गए थे ना 94 किलोमीटर था, 94 किलोमीटर आना और 94 किलोमीटर जाना। और लॉकडाउन ने थोड़ा सा बेकार कर दिया, बेबी को हम सिर्फ और सिर्फ पैसे ही दे के आए हैं, मम्मी भी पैसे दे के आई है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फल फ्रूट। और मेरा तो ये था कि हम थोड़े से मतलब 4-5 किलो का टोकरा जो होता है ना फल का, वो टोकरा बना के ले जाएं और 3-4 जोड़ी कपड़े लेके जाएं। और कुछ मतलब मम्मी अगर गोल्ड का देना चाहे तो गोल्ड का मम्मी दे सकती हैं, पर हम अपने हिसाब से चांदी का कुछ देना चाहते थे बेबी को, तो वो लेके जाएं। और कपड़े तो होते ही हैं है ना, और दीदी के लिए कपड़े, जीजू के लिए कपड़े, मतलब ये सब ले जाने का मन था फर्स्ट टाइम में, बट अभी कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं कर पाए। पर नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम होगा बेबी का तो तब ज़रूर लेके जाएंगे। सो अभी हम आ गए हैं
बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हम यहाँ से निकले थे, हम यहाँ से कितने बजे निकले थे? 12:30 बजे निकले थे। और मम्मी देखो, मम्मी को टाइमिंग भी हमारी बिल्कुल याद है, हमारी मम्मी को। मम्मी कितने बजे निकले थे? 12 बजे निकले, 12:30 बजे। और बेबी को लेके कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा है। कैसा था बेबी? अच्छा है। किसकी शक्ल पे गया है? अपनी मम्मी को। सो फ्रेंड्स, बेबी बहुत अच्छा है और ऑपरेशन से हुआ था तो इसलिए जाना भी बनता था हमें। तो चलो कोई बात नहीं, चले गए है ना। तो अभी मैं आराम करूँगी थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आराम करूँगी। थक बहुत ज़्यादा गई हूँ, चेंज कर लेती हूँ। चेंज करने के बाद खाना खाएंगे और थोड़ा सा छत पे टहलने जाएंगे। दीदी के घर पे अभी हम हैं और दोनों दीदी जिया जी उधर ही हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी होगा वीडियो में कभी। तो बस यही चल रहा है अभी। और सालू कैसा लग रहा है घूम के मौसी के साथ? बहुत अच्छा। अच्छा, गई मान लो। कह रही होगी मौसी कितना ट्रैवल करती है, ज़्यादा करती हूँ। तो चलो अभी चेंज करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, छोटे बेबी को अपनी दुआ ज़रूर देना, है ना। बाय बाय।